सूरत सहित राज्य में कोरोना केसों धीमी गति वधारो थई रह्यो छे। त्यारे सूरत विसल हॉस्पिटल खाते कोरोना आंशिक खतरा समय पोची वळवा माटे एक मोक ड्रीलन आयोजन करायुं हतुं। सूरत सहित गुजरात राज्य ने देशभर में फरी कोरोना केसों और कोरोना लक्षणों धरावता वायरल इन्फेक्शन केसों में वधारो थई रह्यो छे। जो कि अगाउ कोरोना ने कारणे सर्जायेली महामारी वच्चे आरोग्य विभाग पर नतमस्तक थई गयु हतुं, त्यारे हवे फरी कोरोना केसों वधता आरोग्य विभाग साबूत थयुं छे अने कोरोना वधता केसों पर नजर राखी रह्यु छे। त्यारे सूरत विसल हॉस्पिटल कोरोना केसों ने लई एक मोकड्रीलन आयोजन करायु हतुं। कोविड हॉस्पिटल में कोरोना दर्दी ने लई जवा माटे मोकड्रीलन आयोजन करायु हतुं। हाल सूरत विसल हॉस्पिटल में 50 बेड एक्टिव मोड में रखाया छे। मॉक ड्रिल ऊपर से अपने सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर मांडविया साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है और वैसे भी WHO का जो है आगाही है कि कोविड के पेशेंट्स बढ़ सकते हैं, उन्होंने तीसरी वेव का आगाही कर रखा है, उसको देखते हुए हमारी पूरी तरह से तैयारी है। आज की डेट में हमने हमारा जो स्टेम सेल बिल्डिंग है उसमें हमने पूरी तैयारी कर रखी है और 50 बेड हमारे पूरे तैयार हैं और बाकी ओवरऑल कल को यदि और पेशेंट्स बढ़ते हैं तो हम ये 900 बेड तक बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल हमारे पास 450 वेंटिलेटर्स जो वर्किंग कंडीशंस में है, इसलिए हमें हमारी पूरी तैयारी है। डॉक्टर की ड्यूटी आज की डेट में हमारे पास केवल एक पेशेंट एडमिटेड है, वो भी रूम एयर पे और स्टेबल कंडीशंस में, इसलिए आज की डेट में हमने पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी रख रखी है और एक डॉक्टर ड्यूटी पे रख रखा है। पर जिस तरह से यदि केसेस की बढ़ोतरी होगी उस तरह से हम डॉक्टर्स की ड्यूटी भी बढ़ाएंगे।